नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कटरा फुटपाथ ठेले वालों ने किया ट्रैफिक पुलिस थाने का घेराव। सागर शहर के मुख्य बाजार कटरा में ट्रैफिक पुलिस द्वारा ठेले वालों पर चालानी कार्यवाही के विरोध में ठेले वालों ने युवा कांग्रेस नेता निखिल चौकसे के साथ ट्रैफिक पुलिस थाने का घेराव किया। गौरतलब है कि बीते दिनों सागर युवा कांग्रेस ने कटरा फुटपाथ ठेले वालों के साथ कलेक्टर सौगत को ज्ञापन देकर कटरा बाजार ठेले वालों पर पुलिस की चालानी कार्यवाही पर रोक लगाने एवं ठेले लगाने हेतु स्थान आरक्षित करने की मांग की थी। इसके बावजूद जब पुलिस ने आज दोबारा चालानी कार्यवाही की तो आक्रोशित ठेले वालों ने थाने का घेराव किया। इस मौके पर युवा नेता निखिल चौकसे ने कहा कि जब ठेले वाले स्वयं ही प्रशासन से स्थान मांग रहे हैं, ऐसे में पुलिस को भी ठेले वालों का सहयोग करना चाहिए। पुलिस द्वारा चालानी कार्यवाही कर ठेले वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कटरा बाजार में ट्रैफिक की मुख्य वजह स्थानीय लोगों एवं बाजार में आने वाले शहरवासियों की गाड़ियों का मुख्य सड़क पर खड़ा होना है। फिर केवल गरीब ठेले वालों पर कार्यवाही करने का क्या औचित्य है? यदि प्रशासन और पुलिस इन ठेले वालों को मांगों को मानती है तो प्रशासन से सीधे टकराने के लिए भी तैयार है। इस मौके पर युवा कांग्रेस नेता भूरे खटीक, नरेश राय, रोहित सिंह, मोहसिन खान, शुभम सोनी, शहजाद खान सहित सुरेंद्र खटीक, सीताराम कोरी, साजिद राय, आदिल खान, दानिश खान आदि कई ठेले वाले मौजूद थे। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। लेके आपने यहाँ पे चक्का जाम किया था यातायात चौकी पे? देखिए, ये चक्का जाम तो नहीं था, ये एक गांधीवादी तरीके से तमाम सारे असंगठित कामगार कटरा के जो लोग थे, हम सारे लोग अपनी बात रखने आज ट्रैफिक पीआई के समक्ष आए थे। चूँकि कटरा मस्जिद के चारों ओर लगातार ठेले वालों के साथ साथ में गाड़ी से लेकर फोर व्हीलर से लेकर तमाम प्रकार की चीज़ों से यहाँ ट्रैफिक की बाध्य होता है, इस बात से ये कटरा के जो असंगठित कामगार हैं ये भी सहमत हैं और ये सारे लोग चाहते हैं कि इन्हें एक व्यवस्थित जगह आरक्षित कर दी जाए मुख्य बाजार के 200 मीटर के आसपास, ताकि ये अपना गुजर बसर कर सकें और इनकी ट्रैफिक से और अन्य प्रशासन के लोगों से मुठभेड़ ना हो। तो इस बात को लेकर हमने अभी कलेक्टर साहब के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, लेकिन आज ट्रैफिक पुलिस ने पुनः कार्रवाई करी है, इन ठेले वालों के ठेले जब्त किए हैं, तो इसको लेकर हम सारे लोग यहाँ आए थे। आज हमने इनसे भी निवेदन किया है और इनसे निवेदन हमने किया है कि आप जब तक हमारा प्रशासन से नेगोशिएशन चल रहा है, नरेशन हो रहा है, तब तक कम से कम इन ठेले वालों को कंसीडर करें, ये अपना गुजर बसर कर सकें, अपनी रोजी रोटी कमा सकें। उसके बाद यदि प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता तो ये सारे ठेले वाले हैं, हम सारे लोग अगर गांधीवादी तरीके से बात करना जानते हैं तो हम भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस भी बन सकते हैं, राजगुरु भी बन सकते हैं, हम सारे लोग यहाँ चक्का जाम की स्थिति भी बनाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। अभी प्रशासन से आपको क्या आश्वासन मिला? अभी प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया था, इसलिए आज हमें यहाँ आना पड़ा। प्रशासन का कहना है कि हम आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं और बेहतर होगा तो यहाँ मुख्य बाजार के 200 मीटर के आसपास ये हमें कोई जगह आरक्षित करेंगे, लेकिन इसी बीच में ट्रैफिक पुलिस द्वारा ये जो कार्रवाई हुई है इसमें हम सारे लोगों को रोष था, तो आज युवा कांग्रेस के साथियों के साथ साथ में सागर के या संगठित कामगार सब आए हैं, हमने ट्रैफिक टीआई के सामने भी अपनी बात रखी है।